नमस्कार दोस्तों, मैं योग प्रदीप शास्त्री, संस्थापक राजीव दीक्षित वैदिक आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी देंगे। अगर वैसे सरकारी तौर पर देखा जाए तो उस पौधे पर रोक है, और आयुर्वेद की नज़र में देखा जाए तो उस पौधे के औषधीय बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही रामबाण औषधि है। इस औषधीय पौधे को देखकर मेरे को एक कहानी याद आ गई। किसी सुनसान जंगल में अगर कोई महात्मा तपस्वी जाता है तो वो वहाँ पे यज्ञ करने की सोचता है। अगर कोई जुआरी वहाँ पे जाता है तो वो जुआ खेलने की सोचता है। अगर कोई शराबी वहाँ पे जाता है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ पे शराब पीऊँ, मस्ती करूँ। उसी प्रकार यह औषधीय पौधा है को कुछ नशेड़ी लोगों ने बदनाम कर दिया है। यह अगर इसको निश्चित मात्रा में इस औषधीय पौधे का उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही बेशकीमती औषधि है, शरीर के हजारों विकारों को दूर करती है। इस औषधीय पौधे का नाम है भांग। कई जगह पे इसको भंग या भांग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमालय के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की हम अगर बात करते हैं तो यह 3 से 4 फीट का होता है। इसके उपयोगी भागों की हम बात करते हैं तो इसका रस, इसके पत्ते, इसके बीज आदि कार्य में आते हैं। अगर इस औषधीय पौधे की मात्रा निश्चित मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो यह शरीर के विकारों को दूर करता है। भांग के पत्तों को अगर मसल कर 2-2 बूंद कान में डाल दें तो कान के दर्द में राहत मिलती है। कितना भी भयानक से भयानक दर्द हो उसमें राहत मिलती है। और दोस्तों, यह सर दर्द में, खांसी में, नपुंसकता में, भूख बढ़ाने में, मोतियाबिंद में, गठिया बाय में व कैंसर के रोगों में भी बहुत ही रामबाण औषधि है। आज हमने आपको बताया औषधीय पौधे भांग के बारे में। ऐसी ही बेशकीमती औषधियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।